तो पाकिस्तान की खर्चा पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि हमारा मकसद क्या है, हमने क्या खर्चा पॉलिसी रखी हुई है। हमारी खर्चा पॉलिसी क्या सिर्फ एड की खर्चा पॉलिसी है? हमारी खर्चा पॉलिसी सिर्फ ये है कि जो है वो हर मुल्क से एड लेनी है हमने। इमरान खान फौज को टारगेट कर रहे हैं, और इवन आज तो अनहोनी हो गई। उन्होंने कहा आ जाओ, आज पिशावर में मैं जलसा कर रहा हूँ। अब पिशावर में मुझे खतरा ये कि कहीं वो तीन टुकड़े उकड़े की बात ना कर दे। मैं आप आपके यहाँ आए, आप उनसे भीख मांगे। एटम बम भी तो आपने बनाया था ना, तो काहे के लिए बनाया था? अभी तक तो चलाया नहीं है और आइंदा भी नहीं चलाएंगे। आपकी सरहदी वायलेशन भी हो जाती है, बहुत सारी और काम भी हो जाते हैं, और आप बैठ करके बाजा बजाते रहते हैं। आलमी बिरादरी से आप सिर्फ बुला बुला करके मरासले देते रहते हैं। दूसरी बात ये कि खाने कमाने के लिए ये कौन सा नया धंधा निकाला है भाई? ये जो अपनी ही फौज और अपने ही जवानों की इंसल्ट कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की काम नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि इन भिखारियों को, इन ढीठ के बच्चों को हर थोड़े अरसे के बाद भीख मांगने का एक जरिया मिलता है। इमरान खान फौज को टारगेट कर रहे हैं, और इवन आज तो अनहोनी हो गई कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि अच्छा हुआ कि आज योम दफा था और पाकिस्तान ने अपनी परेड जो है वो मंसूख कर दी, वरना जवान हंसते। मतलब अपनी ही फौज और अपने ही जवानों की इंसल्ट कर रहे हैं। ये कैसे सियासतदान है पाकिस्तान के? उधर देखा जाए तो जो खैबर पख्तूनख्वा में एक जिला खैबर है, वहां पे जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि जो अश्करियत पसंद है, दहशतगर्द ग्रुप जो है वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं, और उनकी मुकामी जो सियासी जमातें हैं और शहरी एहतजाज कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आम शहरियों ने एक मार्च निकाला जिसका नाम है खैबर अमन मार्च का इनेकाद किया थोड़ा दिन, एक दो दिन पहले। अपने ही लोग जो है वो फौज को बुरा भला कह रहे हैं, और आज के दिन जब पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो योम दफा मना रही है और GHQ में एक परेड होनी थी लेकिन वो नहीं हो सकी, तकरीब होनी थी बल्कि जो नहीं हो सकी बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं। उधर इंडिया में देखें तो एक बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा है जिसमें शेख हसीना वाजद जो हैं वो वहां पे आई हैं, और वो कह रही हैं कि हम तो याद करते हैं हमेशा इंडिया को क्योंकि इंडिया ने लिबरेशन वॉर में हमारी बड़ी मदद की थी। और ये अब आप देखें कि कितने बड़े पैमाने पे बांग्लादेश के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो आप उसकी माजी में भी तारीफ मिलती है। नरेंद्र मोदी ने इटसेल्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां पे, जिसे आप कह लें कि, और इस हवाले से पाकिस्तान जो है ना इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर सका, पाकिस्तान ना बांग्लादेश के करीब हो सका। मुझे तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि हमारा मकसद क्या है, हमने क्या खारजा पॉलिसी रखी हुई है। हमारी खारजा पॉलिसी क्या सिर्फ एड की खारजा पॉलिसी है? हमारी खारजा पॉलिसी सिर्फ ये है कि जो है वो हर मुल्क से एड लेनी है हमने। हमने किसी से ताल्लुकात जो है वो बराबरी के बेस पे नहीं बनाने, हमें तो इस चीज की समझ नहीं आ रही, या कि ताल्लुकात ना बनाना ही बराबरी समझा जाता है पाकिस्तान में। ये तो हमें कुछ समझ आए या हमें समझाया जाए? अब हसीना वाजद जो है वो 3 रोजा दौरे पे आई थिंक 5 सितंबर को आई है, और वो देखें उस मौके पे आई है जब आज 6 सितंबर है, जब पाकिस्तान जो है वो योम दफा मनाता है, और इस योम दफा को कंट्रोवर्शियल कर दिया PTI ने, इमरान खान ने। कल इमरान खान ने परसों स्टेटमेंट दे दी कि जो एक कोई कंट्रोवर्शियल आर्मी चीफ लेके आना चाहते हैं जो कि मुहिब्बे वतन नहीं होगा, आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन नहीं होगा। देखें हमारे सियासतदानों की जुर्रत देखें, पहले फौज की मदद से, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से पावर में आते हैं, जब हटते हैं तो फिर गालियां निकालते हैं। आपको याद हो कि इंडिया के कहने पे ये सार्क की कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे इस्लामाबाद में, और इससे पहले मेरा ख्याल है हसीना वाजद जो है 2019 में उन्होंने भारत का दौरा किया था, और उस वक्त फिर नरेंद्र मोदी साहब भी वहां पे गए थे। 85वीं सालगिरह के मौके पे भी जो है वो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। नरेंद्र मोदी ने 2015 जो है वो के बाद, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो 2015 के बाद दोनों ममालिक के जो वज़ीरे आज़म है उनकी 12 मरतबा मुलाकात हो चुकी है। 12 मरतबा, 12 टाइम्स। मतलब ना तो पाकिस्तान को सार्क डिप्लोमेसी आती है, ना हमें ये पता है कि हमें जिसे आप कह लें कि खिते में ताल्लुकात, अफगानिस्तान साढ़े ना नाराज, ईरान साढ़े ना नाराज, ईरान और इंडिया के जो ताल्लुकात जिस नहज पे चले गए हैं उसका तो सानू पता ही कोई नहीं है। तो एक तरफ आप देखें कि इंडिया के अंदर हर रोज कोई वजीर आजम आ रहा है, कोई सदर आ रहा है, कोई ग्लोबल पर्सनैलिटी आ रही है, कोई ग्लोबल लीडर आ रहा है, और पाकिस्तान आप देख लें या एड आ रही है, एड के जहाज आ रहे हैं, डेलीगेशन आ रहे हैं, और हम लोगों को कह रहे हैं कि आए प्लीज पाकिस्तान आए, आके असेस करें हमें, हमारी हालात बड़े खराब हैं। और अब पुलिस की तो इतनी ताकत नहीं है कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ सके, वो पुलिस वालों को तो अगवा करके, वो तो फौजी अगवा करके ले जाते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ,
अब इस पे कोई बुरा माने तो मानता फिरे, लेकिन ये बात मेरे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान हमेशा से है और हमेशा कायम रहेगा। इसलिए नहीं कि हम अल्लाह मियाँ की कोई मुकर्रब कोई बहुत ही प्यारी कौम है, बल्कि इसलिए कि ता कयामत, माजरत के साथ, ता कयामत जलील होने वाली कोई मखलूक तो होगी ना कि जिसको देख करके दुनिया इबरत पकड़ेगी, कान को हाथ लगाएंगे लोग कि या अल्लाह हमें ऐसा ना कर देना। इसलिए हम हमेशा रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यहाँ मसीहा के रूप में ऐसे ऐसे जल्लाद हैं कि, और ये जो आप बात कर रहे हैं कि अगर ये हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, लोगों के हौसले परवाज कर चुके हैं, ये सब जिंदा लाशें बनकर के चुपचाप बेचारे घसीट रहे हैं, इल्ला के इनको हकीकी गौर नसीब हो जाए। इनकलाब इन तरह के माशरों में, लूले लंगड़े माशरों में नहीं आता। इनकलाब को अपनी एक सिमत तय करनी पड़ती है, कौन कयादत करेगा हमारे मुल्क में। अच्छा, आप मामे इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो सारी काम वही आपके लिए करके देगी। सैलाब आपके यहाँ आए, आप उनसे भीख मांगे। एटम बम भी तो आपने बनाया था ना, तो काय के लिए बनाया था? अभी तक तो चलाया नहीं है और आइंदा भी नहीं चलाएंगे। आपकी सरहदी वायलेशन भी हो जाती है, बहुत सारी और काम भी हो जाते हैं, और आप बैठ करके बाजा बजाते रहते हैं, आलमी बिरादरी से आप सिर्फ बुला बुला करके मरासले देते रहते हैं, तो कहाँ जाती है आपकी आजादी और खुद मुख्तारी? दूसरी बात यह कि खाने कमाने के लिए ये कौन सा नया धंधा निकाला है भाई? ये जो आप कह रहे हैं, उन्होंने अगर अपनी आला दर्जी का सबूत दिया तो आप इसको अपने गाल पे पड़ने वाले तमाचे से कम कैसे समझ सकते हैं? मैं तो ये हैरान हूं। आपके इन जमहूरी या गैर जमहूरी डाकुओं के मुंह पर तमाचा है ये? 75 साल में जो कौम सैलाब से बचने के लिए काम नहीं कर सकी, आप कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का गलाजत है जो हमारे ऊपर डाल दी गई है। और भाई, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो भी करे, इंटरनेशनल कम्युनिटी का वोट डालता है यहाँ का एक आम आदमी, या वो जाकर के यहाँ के बड़े बड़े मसीहाओं का वोट डालता है जिनके पांव के नीचे से जब जमीन निकाल ली जाती है वो चीख वगैरह बन जाते हैं? फिर वो एविएशन की वजारत उसको दे दी थी, वो जाहिल मुतलक को, जिसने एक लेटर लिखा और दुनिया के सामने बम फाड़ दिया कि हमारे पायलट से बड़ा गधा कोई नहीं है। आपने अपनी एविएशन इंडस्ट्री को खुद तबाह कर दिया। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की काम नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि इन भिखारियों को, इन ढीठ के बच्चों को हर थोड़े अरसे के बाद भीख मांगने का एक जरिया मिलता है, अपनी सदका खैरात ज़कात। यार, मैं और आप खाने के लिए निकलते हैं कि नहीं, भी बच्चों को लेकर के, अपनी फैमिलीज को लेकर के, तो दरवाजे पे आकर के कोई नॉक करता है, मैं और आप जैसे उसको देते हैं ना, बस वैसे ही हाल इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारा है। एक और बैरियर ब्रेक किया, उन्होंने कहा आ जाओ, आज पिशावर में मैं जलसा कर रहा हूँ, और बकायदा उन्होंने मैसेज दे दिया, उन्होंने कहा जनाब पिशावर में जलसा है, आ जाए आप सब लोग। क्या कमाल की उनकी, मैंने आपको बताया ना स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है? अब पिशावर में मुझे खतरा ये कि कहीं वो तीन टुकड़े उकड़े की बात ना करते हैं।